Hey guys, welcome to the channel React Action. In this video, we are going to react to Amiwe Bantaya. Sir, कुछ short नहीं है. And the original track पे भी react करेंगे and the remix version of that song, उस पे भी हम react करेंगे. He is my brother here. इसको ज्यादा rap culture का ज्यादा knowledge है मेरे से, तो आज ये भी मेरे साथ review करेगा. Actually, मैंने दोनों version सुन लिए हैं और मैं रैप कल्चर को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, तो भी इसको प्रॉब्लम आएगी रैप के दौरान सुनने में लिरिकली या फिर म्यूजिकली, तो मैं उसको हेल्प करूंगा समझाने में कि क्या यहाँ पे सीन है. सो बेसिकली ही इज गोइंग टू गिव हिज रिव्यूज ओनली, रिएक्शन इससे नहीं होगा क्योंकि इसने पहले देख लिया है सॉन्ग. yes. तो फिर झूठा, ऑब्वियसली वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, रिव्यू होगा. मेरा रिएक्शन है बट ही इज गोइंग टू गिव हिज रिव्यूज एंड मेरी हेल्प करेगा ये समझने में जो इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लैंग्स जो होते हैं, मेटाफोर्स और बहुत सारे जो चीजें होती है समझ नहीं आती एक न्यूबी को. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सॉरी गाइस, अगर आपको कुछ नॉइस आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस कुछ आ रहा है, तो बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. स्टार्टेड. लोग बड़ी हेल्प कर देता है अब कितना आगे आ गया. नहीं फूड बहुत सही है इस टाइम से. एरिया में बचपन से रह रहा हूँ, आज हूँ अंधेरा पर कल का सवेरा हूँ. जन्म लिया मैंने 1995 में, परिवार मेरी जीने लगी पूरे टाइम में. खोटी किस्मत बचपन से ही मेरे पीछे चार्ज है, किसी को न बताना क्योंकि ये मेरा राज है. इलाज है क्या इसका किसी के पास, किसी में खास पैसे होंगे तो फिर किस हो रहा है वहाँ बच्चा रो रहा है. पहले एरिया प्रॉब्लम को लेकिन अपने बीच में पड़ गया. फोन में भी कितना अच्छा है. स्क्रीन प्रेजेंस बहुत सही है, कैमरा प्रेजेंस बहुत अच्छा है. शिक्षा बहुत हार्ड था. फिजिक्स और मैथ्स पास करना, हाथ में था क्वेश्चन पेपर, आंख में था झरना. आंसू के टेंशन ये था पासों के फेल, बाजू के लोग पूछे क्या है रिजल्ट, ले बेटा 12वीं फेल. लगा लो रे ना दिल, मेरी जिंदगी एक खेल की तरह, मुझे बैट लेके खेलने लगी है, उसे खेलने लगा हर जगह भी गेम लोकेशन में खेलने लगा हूं मैं. बजट इतना था लेकिन मैं बहुत क्रिएटिविटी खाई हूं. ऐसा कुछ शॉट नहीं है. मैंने एक दो सॉन्ग सुने हैं एमिवे के, न्यू सॉन्ग जो भी कमर्शियल सॉन्ग थे वो सुने थे मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है अभी फ्लो में ना, लेकिन पहले का फ्लो बहुत ही ज्यादा सही था. हाँ, सब बंद पहले बेस अंडरग्राउंड जो बहुत लोग मानते हैं कि पुराना एमिवे ज्यादा सही था. लेकिन फिर से जब उसके जो नया एल्बम आया ना जिसपे हम रिएक्ट करने वाले, जो सेकंड उसका गाना है, तो उसमें लोग बोले कि हाँ पुराने एमिवे का वापस वो अपना फ्लो वापस पुराना वाला ला रहा है और पुराने तरीके में सारे गाने लॉन्च कर रहे हैं.
तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं, उतना मैंने सुना नहीं है, लेकिन मेरे को फ्लो बहुत अच्छा लगा। हाँ, और इसमें इतने रेफरेंसेस उतने नहीं है, मतलब जो बेसिक जो राइमिंग स्कीम रहती है किसी भी रैप सॉन्ग में वो ही है, लेकिन इसने जो नॉर्मल मैन के कॉमन मैन की लाइफ में जो प्रॉब्लम रहते हैं उसको बताया था कि कैसे आदमी जो अमीर घर में रहता है और स्लम में रहते हैं, जो जितने भी लिरिक्स थे ना उतना उतनी लोकेशंस थी। हाँ। जितने लिरिक्स थे उतनी ज्यादा लोकेशंस थी। तो वही तो अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं रिमिक्स वर्जन पे, और एक्चुअली इसके भी वीडियो नहीं निकली तो हम ऑडियो ही निकला है, तो इस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। बीट में पर लिरिक्स चेंज हुआ, शिक्षा में ध्यान दे शिक्षा को, शिक्षा में दे रहा था शिक्षा, वही शिक्षा किसी और से ले रही है शिक्षा, उसके चक्कर में चला रहा है रिक्शा, पर कोई काम छोटा नहीं, मेहनत कर रहा था आसमान की रोता नहीं, खुशियाँ बरसाता है, तू क्यों घबराता है, तू भी बरसेगा, दुनिया के लोग बेटा मिलने तरसेगा, ऐसा काम कर सामने वाला आना चाहिए बेटा अपने दाम पर। तो मतलब बेसिकली अमी वे ने पहले गाने में ऐसा बोल था कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को दिखा रहा था कि मैं स्लम्स में रहता हूँ और मेरा ऐसा ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें बोलता कि पहले तू था प्रतीक्षा का रिक्शा में, अब लेकिन अब तू चला रहा है रिक्शा। ओके, तो वही बोल रहा कि कोई गम नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता है, आसमान भी खुशियां बरसाता है, रोता नहीं है, जो बारिश होती है वो खुशियां बरसाता है, तो हमेशा अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और इस गाने में ये इम्प्रूवमेंट है पुराने गाने की, इसमें इसने ये दिखाने की कोशिश की आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे उभर के आगे निकल सकते हो और अपने पे कैसे फोकस कर सकते हो। बेसिकली एमी वे ने जो भी जितना स्ट्रगल किया है उसके बाद जो उसने उसमें चेंज हुआ है वो उसने गाने में बताया इसने बहुत अच्छे से। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्मूथ हो गया था प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली अच्छी है। किसी बेल्स भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, लाइफ बदला एरिया बदला फिर भी 37 पॉश फिर भी पूरा आता हेवन एरिया, तो फिर सबको मान सेक्टर है अपना 7, सब जानते सब मानते हैं लाइफ अब जी रहे, जी रहे वन से क्या भाई तेरा रियल है, कोई भी नहीं है रे सब बन रहे ले रहे रे, खुद कैसा है पहले खुद को तो देख, मैं तो करता था ठीक पे ध्यान। एक बात देखी मैं, जो पुराना वाला गाना था ना उसमें भी एमी ने एमी वे का जो लुक था वो कैसा था, चश्मा सेम वही फ्रेम वही बुढ़ी, मतलब वही जो पुराने एमी वे वाली वाइब देने की कोशिश की है इस गाने में। नहीं तूने नोटिस नहीं किया कब मैं बता रहा था, सस्ते में काम को करने का नाम, 7 घंटे नींद और 17 घंटे काम, अपन के माम खड़े रास्ते में, ये पुराने चावल सुन रहे क्या सीन है, क्या सीन है, ऐसा कुछ शॉट नहीं है बस मुझसे भारी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है जिंदगी दंगी में, क्या चाहिए ऐसा कुछ शॉट नहीं है, ऐसा कुछ शॉट नहीं है बस मुझसे भारी, ऐसा कुछ शॉट नहीं है जिंदगी दंगी में, ऐसा कुछ शॉट नहीं है क्या बोलते हैं पर्ची किताब मेरे अपन जिंदगी तू किताब मेरे पिताम्बर है पिता कॉपर में पानी में 7 दिन पानी फटे मजे चालू लाइफ में मैं जी रेला जवानी मेरे मन बोला वीडियो में भाड़े से भी मान ले। अगर तूने एमी बी बंट और रफ्तार की बीफ हुई थी, अगर हम उस पर रिएक्ट करेंगे अगर कमेंट्स आए तो वहां पे एक वीडियो था शेख चिली, उसमें रफ्तार ने हेलीकॉप्टर था उसमें वीडियो में, तो वो उसने भाड़े पे लिया था, ऐसे बात चल रही थी
तो उसने वो बोला है रफ्तार को, रफ्तार इसके बीच में थी, उसका रेफरेंस है, हाँ वो रेफरेंस है कि मन करे मेरा भाड़े में खर्चे के बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट, एकदम जो दिखती है ना सामने दिखती है वो वाली इम्प्रूवमेंट दिखी मेरे को सॉन्ग में, मतलब पहले वाले और अब वाले में कंपेयर करें अगर हम तो बहुत फ्लो में इम्प्रूवमेंट, बजट ऑब्वियसली इम्प्रूव हुआ ही है और प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन हाँ वही ऑब्वियसली बजट में आ गया, हाँ लेकिन मैं वीडियो क्यों नहीं था इसका, क्योंकि ये पहले इसके एल्बम निकलनी थी ना तो वीडियो और बाद में निकलती है, ऑडियो निकाले इसने पहले सबका, पूरे से एल्बम आएगी बाद में। मैं तो एज अ हिप हॉप लिसनर मैंने सुन लिया गाना, लेकिन नॉर्मल हिप हॉप लिसनर की सबसे अगर मैं इसको देखूं तो मैंने देखा कि एमिवे का जो लिरिक्स होते हैं बहुत ज्यादा बेस में कोई डबल ट्रिपल मीनिंग नहीं होती इसकी लाइन में, बहुत जैसे कि और रैपर्स हैं हमारे इंडिया में जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लिरिक्स लिखते हैं, लेकिन एमिवे का जो थ्रो और डिलीवरी होती है ना एक एक वर्ड समझ आता है कि क्या बोलना चाहता है क्या है, क्या वो बेसिक लिरिक्स। और मैंने फर्स्ट टाइम सुना ना तो मेरे को लग गया पता कि इसका फर्स्ट सॉन्ग था, उसमें उसके बाद क्या चेंजेस हुए वो फिर इस सॉन्ग में उसने बताया पूरा जो कि पहले लाइफ कैसी थी और अब कैसी हो, अब कैसी होगी, अब पहले मैं सड़कों पे था अब इसने बोला कि अब मैं ऐसे, हाँ मतलब जो भी इम्प्रूवमेंट हुई उसकी लाइफ में वो उसने इस सॉन्ग में बताई है उस सॉन्ग के बाद में, तो वो मेरे को समझ आ गया फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया तब मेरे को पता चल गया वो, तो मेरे को उतना समझ नहीं की कुछ, मतलब वो नहीं जरूरत नहीं पड़ी कुछ की वो था। तो बेसिकली दोनों गाने बहुत ही अमेजिंग हैं और एमिवे के वन ऑफ द क्लासिक सॉन्ग मान जाता है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है क्योंकि बेसिकली इसी की वजह से इसका मेजर करियर स्टार्ट हुआ था। तो तेरे टोटल मतलब 10 में से कितने पॉइंट देगी तो देने तो, मतलब एज अ कमर्शियल सॉन्ग था ना, मतलब अंडरग्राउंड है लेकिन इसको हम एज अ बहुत बेस्ट क्वालिटी एमिवे का गाना नहीं बोल सकते, मतलब इसको एमिवे का ये बेस्ट नहीं है, मतलब ये बेस्ट नहीं है, एमिवे से बेहतर गाने हैं पड़े एमिवे के, लेकिन ए फॉर ऐसे गाने की जिसमें आप वाइब कर सकते हो एंजॉय कर सकते हो, तो उसके हिसाब से 10 में से कितनी रेटिंग देगी? आई थिंक ऑनेस्ट ऑनेस्ट पुरानी वीडियो में देखा होगा तूने वो सारी वीडियो फोन से बनी है, पूरी वीडियो में ना कोई ज्यादा महंगे कपड़े है, महंगी गाड़ी है, लड़कियां कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लोकेशंस घर के आसपास की जो होती है और जहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह जो भी दुकान क्रिएटिविटी, हाँ दुकान वगैरह थी वहाँ पे दिखाई उसने अपनी, और वहाँ पे इतने अच्छे से शूट बहुत अच्छे से किया है और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा और डांसर्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे रिएक्शन रिव्यूज इसके अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है रिएक्शन वीडियोस तो आप अपने कमेंट्स में सजेशंस बता सकते हो, उन गानों पे हम रिएक्ट करेंगे और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।